इसके अंदर तो नहीं जाने देते, यहाँ तो पहले से ही ताला बंद हुआ है, अभी भी देख सकते हो सामने गेट लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन मौसम का आनंद उठा रहे हैं, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, कुछ वहाँ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं पार्क में। सब नहीं, हर जगह ताला बंद हुआ है, आप ऊपर भी नहीं जा सकते हैं, ना इसमें जा सकते हैं ना उसमें, सब जगह ताला बंद। कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा जिसके कारण ताला बंद। और ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया। अरे प्यार करते हो भाई तो घर में जाके बोलो ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आनंद ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और आप पीछे मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं, कुछ पेड़ वगैरह आ रहे होंगे, हरी हरी पत्तियाँ मतलब पेड़ पौधे आ रहे हैं। तो अभी हम गांव पे हैं, तो आज का सीन है प्रयागराज घूमने का, मतलब पुराना नाम इलाहाबाद था। तो वहाँ पर एक है खुसरू बाग जो कि काफ़ी फेमस और बहुत बड़ा पार्क है, और मकबरा भी है वहाँ पर। तो आज का प्लान है इलाहाबाद जाने का और घूमने का, तो आपको भी ले चलते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं क्या है सीन वहाँ का, कैसा व्यू है। तो ब्लॉग में बने रहिए और चलते हैं प्रयागराज। I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can't make you feel this way. फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम इलाहाबाद मतलब प्रयागराज पहुंच गए हैं, और ये आप नैनी ब्रिज देख सकते हैं, और नैनी ब्रिज के बगल का कुछ व्यू ऐसा है। ये आप यमुना जी हैं, और वो आप देख सकते हैं किला है वो, और वहाँ पे संगम का मेला लगता है, उस साइड भी लगता है, वहाँ पे अरैल घाट उस साइड है, और वहाँ पे भी संगम का मेला। उधर बड़े लेटे हनुमान जी, मतलब हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, और कुछ घाट वगैरह घाट वहाँ पे हैं, और ये कुछ व्यू ऐसा है यहाँ का। और या आप उस साइड, वो रेलवे ट्रैक है, उधर से ट्रेन जाती है, उधर घर वगैरह है, उधर ही मंदिर है, और वो आप सामने देख सकते हैं त्रिशूल है, वो त्रिशूल है, वो शंकर जी का त्रिशूल है। और ये आप नैनी ब्रिज देख सकते हैं, कुछ ऐसा है व्यू। तो हे गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं प्रयागराज, और हम आ गए हैं खुसरू बाग। ये आप सामने देख सकते हैं खुसरू बाग का मेन गेट है, और अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या टिकट वगैरह है। तो हे गाइस, फाइनली अभी हम पार्क के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे टिकट वगैरह नहीं लगता है, निःशुल्क है, पार्क में आप घूम सकते हैं। लेकिन कुछ चेतावनियाँ वगैरह दी हैं जो कि आप सामने बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखी हुई हैं। और एक बाग खुलने का टाइम है, एक कुछ चीज़ें यहाँ पे चेतावनी वगैरह लिखी, अगर फूल पत्ती वगैरह तोड़ते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना है, और पालतू जानवर आप इसमें नहीं ला सकते हैं। पार्क के अंदर का कुछ ऐसा व्यू है, तो पार्क के अंदर घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड। लेकिन आज बारिश का मौसम है, इसलिए भीड़, थोड़ा सा भीड़ नहीं, आप कहीं भी देख सकते हैं, एक भी मतलब कुछ आपको लोग देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। जैसे यहाँ पे डेली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज उतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ, लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। और ये देख रहे हैं बगल में कुछ कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई बैठने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे। फाइनली फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं सामने मकबरा दिख रहा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी चलते हैं फिर सामने, और मतलब पास में चलते हैं, तो पास से आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ये मतलब जो रास्ता है, इसके अगल बगल कुछ पेड़ वगैरह ऐसे लगे हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और बारिश भी हुई, हल्की हल्की बारिश हुई, देख रहे हैं अभी सब भीगा वगैरह है। और बगल में देख रहे हैं आम के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं अभी, और कुछ छोटे पेड़ हैं, कुछ तो पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी आसपास भी बैठने के लिए जगह बना हो, यहाँ नेट वगैरह लग गया, मतलब इसके अंदर भी कुछ पौधा रोपण वगैरह हुआ है, शायद बिक्री होती है, तो हमें नहीं मालूम, कि बाहर लिखा था कि इसके अंदर जो भी पौधे हों बिक्री होती है, उसका टाइमिंग भी दिया है कितने से कितने बजे तक। हाल ही अभी हम मकबरे के पास आ गए हैं, ये देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बना हुआ है। अभी चलते हैं, तीन मकबरा है, एक ये सामने है, एक उस साइड है, और एक उसके बगल में भी। चलते हैं आपको तीनों अभी दिखाते हैं पास से ही। कुछ लिखा हुआ है यहाँ के बारे में, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि शाह बेगम मकबरा इसको बोलते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर के समय यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ था, जो कि आप सारा पढ़ सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा इसको के बारे में, यहाँ पर लिखा है, और इसके बगल में भी लिखा हुआ है। ये दोनों हिंदी में लिखे हैं, उधर इंग्लिश में लिखा हुआ है।
अभी ये गेट लगा हुआ है, ये गेट के उस साइड हमें जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये घूमने वाला गेट है और ये मेन गेट ये तो बंद रहता है, इसमें जाएंगे। तो है गाइस, फाइनली अभी मकबरे के पास आ गए हैं, तीनों मकबरे के पास आ गए। एक मकबरा ये आपका, एक वो है और थर्ड वाला वो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी चलते हैं, तीनों को पास से आपको दिखाते हैं और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो गाइस अभी तो हम मकबरे के पास आ गए हैं, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड थर्ड। लेकिन अभी जो है ना, ये आप देख सकते हो वहाँ ताला लग गया है, गेट वगैरह लग गया। पहले जब हम आते थे तो गेट नहीं लगा था, तो अब ऊपर तक जा सकते थे, तो अभी ऊपर नहीं जा सकते हैं। तीनों जगह ताला बंद हुआ। अभी लोग यहाँ कुछ वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं और बाहर से आपको दिखा सकते हैं। और ये जो भी बना हुआ पत्थर का बना हुआ है, और भी कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर का बना हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा अच्छा नक्काशी वगैरह किया गया है इस पर। और एक वो एक है, तीनों अभी आपको पास से दिखा देते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जाने देंगे क्योंकि अभी देख रहे हैं ताला बंद हो गया ना, पहले ताला वगैरह नहीं बंद हुए थे। CCTV कैमरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी भी ज़रूरी है ना। और वहाँ एक मकबरा है, देखिए वो अभी वहाँ पे भी चलते हैं। और अगल बगल कुछ इस टाइप के पेड़ वगैरह, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घास भी, हरी हरी घास वगैरह, पार्क जैसा बना हुआ जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और मौसम आज अच्छा है, तो आज और भी अच्छा लग रहा है घूमने में। डेली कहीं भी जाते थे घूमने तो बारिश हो जाती। तो अभी मकबरे के पास आ गए हैं, मतलब उसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, मतलब एक ऊपर चढ़ सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं आ जा सकते, ताला बंद है। अब एक सामने मकबरा है और एक इसके पीछे भी चलते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। बाकी ये देखिए पत्थर वगैरह बने हुए हैं, ये काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं और बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, ईंट वगैरह के नहीं, सिर्फ पत्थर के हैं। देखिए कुछ बना हुआ है यहाँ पे इस टाइप का। से ये ऊपर जाया जा सकता था, लेकिन अभी ऊपर नहीं जा सकते, बस ये इतने तक आप घूम सकते हैं। ये देखना ताला वगैरह बना, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ताला बंद हो गया है। हुआ है कि वृक्षों से फूल पत्तियां तोड़ना एवं घास के मैदान पर खेलना पूर्णतः वर्जित है, लेकिन आप देख सकते हैं दुरुपयोग कितना अच्छे से इसका दुरुपयोग किया जाए। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, लेकिन ये वही है ना कि यहाँ पे देखे वो ताला बंद हुआ है, पहले ताला नहीं लगा था ना, कि तो ना ही गेट लगा था, कोई कारण हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और ये देख सकते काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो अभी हम पार्क के पास आए हैं और यहाँ से जो शूट कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा आ रहा है। देखिए अब वहाँ देख सकते हैं, एक लास्ट में मैं, एक सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। और जो कि पास तो जाने से कोई मतलब नहीं, हर जगह ताला बंद हुआ है, आप ऊपर भी नहीं जा सकते ना, इसमें जा सकते ना उसमें, सब जगह ताला बंद। कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा जिसके कारण ताला बंद है और गेट लग गया, नहीं तो पहले ताला वगैरह नहीं बंद रहते थे। और देख सकते तीनों काफ़ी खूबसूरत है, जो तीनों भी अच्छा बना हुआ है, जो कि अरे आपके ये लोग भी ले रहे हैं यहाँ क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा, आप देखते हैं बादल वाला मौसम, बारिश वाला मौसम है, तो यहाँ पे लोग मौसम का आनंद उठा रहे हैं, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, कुछ वहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं पार्क में। गाइस जितने भी मकबरे थे हमने घूम लिए, अभी एक लास्ट वाला बचा है वो भी घूमेंगे। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम कहीं घूमने गए हैं और बादल वाला मौसम है ना, तो धूप है नहीं, कहीं भी जाते थे इतनी गर्मी पड़ती थी, इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप होती थी कि हालत ख़राब हो जाती। आज मौसम इतना अच्छा है कि घूमने भी अच्छा लग रहा है और ब्लॉग बनाने भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया। अरे प्यार करते हो भाई तो घर में जाके बोलो ना। कुछ यहाँ पे कलाकारी की गई है, कुछ यहाँ पे इन कुछ लोगों के कारणों की वजह से जगह जगह गेट वगैरह बंद कर दिए जाते हैं और जहाँ की फोटोग्राफी और फोटो क्लिक करना मना कर दिया जाता है। अरे अपोजिट साइड में जो मकबरा हमने दिखाया था, ये सामने वाला भी चलते, इसको पास से दिखाते हैं।
फिलहाल इसके अंदर तो नहीं जाने देते, यहाँ तो पहले से ही ताला बंद हुआ है, अभी भी देख सकते हो सामने गेट लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन उधर जो ताला वगैरह लगे हुए हैं, जो गेट बंद हुई है, अब लगे हैं, किसी कारणवश लगा हुआ, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसकी वजह से प्रशासन को ताला वगैरह गेट लगाना पड़ गया। करो यहाँ की गंदगी मत फैला करो, देखो ये भाई लोग यहाँ से कचरे उठा रहे हैं ना, ये अच्छा लगता है। अगर आप कुछ भी खाते हो या कुछ भी लाते हो पीने के लिए, तो ये कचरा डस्टबिन है ना, तो यहाँ आप डाला करो, यहाँ रास्ते में से मतलब पार्क वगैरह मत फेंक दिया करो, दूसरों को फिर प्रॉब्लम होती है, भाई साफ़ कर रहे हैं वो भी अपने भाई साफ़ कर रहे हैं, सब ऐसा काम मत किया करो। आते हो घूमने तो घूमा करो, लेकिन इतनी गंदगी मत फैलाया करो। सो हे गाइस, फाइनली हमने खुसरू बाग घूम लिया है, और जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और पार्क भी काफ़ी बड़ा बना है, मकबरे जो भी यहाँ पे काफ़ी सुंदर बने हुए हैं। आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हो सकता है हमारी बातें आप लोग को बुरी लगे या ख़राब भी लगे, आप कहीं भी घूमने जाते हो यार, लेकिन ऐसा काम मत किया करो कि खुद को भी ख़राब लगे देखने में, कोई घूमने जाए उसको भी अच्छा ना लगे। अगर सुंदर चीज़ें बनी हुई देखने के लिए बनी, उनको ख़राब करने के लिए नहीं बनी। अभी जैसे हमने आपको दिखाया ना कि अगर आप प्यार करते हो ठीक है यार, घर पे बताओ, लेकिन ये पर्यटक स्थल पे घूमने वाले प्लेस पे ऐसा मत करो, ये खुद को भी देखने में ख़राब लगता है और फैमिली के साथ जाएंगे उनको भी ख़राब लगता है। इन्हीं कारणों की वजह से सुंदर चीज़ें खराब होती चली जा रही है, और इतने ज़्यादा प्रतिबंध होते चले जा रहे हैं। आप फोटो नहीं बना सकते, वीडियो नहीं क्लिक कर सकते, कुछ भी नहीं, आप वीडियो क्लिक नहीं कर सकते, फोटो क्लिक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं आप बना सकते। तो ऐसा मत करो यार, कहीं घूमने जाते हो तो घूमो, लेकिन ऐसी हरकतें मत करो कि जो कि खुद को भी ख़राब लगे। वो काम कभी मत करो जो खराब खुद को लगे और दूसरों को भी, तो वो खराब ही लगेगी ना। फाइनली आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।